जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम होता है या फिर गले के अंदर भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन लगा रहता है, जैसे गले के अंदर खराश आ जाती है, थोड़ा सा मौसम बदलते ही ठंड लगते ही गले की कोई समस्या पैदा हो जाती है, टोन्सिल भी उन लोगों को ज्यादा होते हैं, जैसे गड़गड़ाहट की आवाज आती है, सीना भारी लगता है, सांस लेने की तकलीफ होती है, जैसे अस्थमा जैसी शिकायत आपको रहती है कि आप इनहेल का प्रयोग करते हैं या फिर आपको और ज्यादा गंभीर समस्या सांस संबंधी है, इस रेमेडी को हम करेंगे वह काफी ज्यादा यूजफुल है, ये सारे लक्षणों पर काम करेगी। एक कप बना करके कोई भी व्यक्ति अगर इसे पियेंगे तो उनके सालों से जमा हुआ जो नाक के अंदर, गले के अंदर, फेफड़ों के अंदर, सीने के अंदर कहीं पर भी अगर कफ बलगम जमा होगा तो वह धीरे धीरे करके बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक या दो खुराक में ही आपको महसूस हो जाएगा कि आपका कफ बलगम बिल्कुल ढीला हो गया है, आप सांस ले सक रहे हैं, अस्थमा की शिकायत बिल्कुल दूर हो गई है, बार बार सर्दी जुकाम का संक्रमण भी नहीं रह रहा और जो गले के संक्रमण होते हैं वह भी बिल्कुल सही हो रहे हैं। कफ बलगम जमने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को ठंड लग जाती है और ठंड बैठ जाती है तो इस प्रकार का संक्रमण रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सर्दी जुकाम होने पर जैसे कि नाक साफ करते हैं तो उसे बाहर की तरफ नहीं निकालते बल्कि ऊपर की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से जो म्यूकस होता है वह सिर के अंदर जमा होने लगता है या फिर फेस पर जमा होने लगता है। जिन लोगों के बचपन के अंदर निमोनिया हो चुका होता है, सर्दी का संक्रमण ज्यादा रहता है, ऐसे व्यक्तियों के भी कफ बलगम ज्यादा जमता है। जिनके लंग्स से संबंधित कोई संक्रमण रहता है, जैसे कि लंग्स के अंदर पानी भर गया है, लंग्स में कोई फोड़ा हो गया है या फिर लंग्स में किसी प्रकार का कोई संक्रमण है, जैसे कि ऑक्सीजन बराबर नहीं पहुंच रहा है, इनहेलर का प्रयोग करते हैं तो इन लोगों को भी बहुत ज्यादा कफ बलगम जमा होता है। जिन लोगों की कफ प्रकृति असंतुलित हो जाती है, जैसे कि मौसम बदलने के साथ में दिक्कत होती है या फिर किसी एलर्जी के कारण इस प्रकार का संक्रमण होता है या फिर थोड़ी सी ठंड लगते ही उनको कफ प्रकृति बदलने लगती है, ये बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये संक्रमण रहता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, सालों से आपने बहुत सारे रेमेडी अप्लाई कर ली है, तो एक बार इस रेमेडी को भी आप अप्लाई जरूर करें। 2 या 4 दिन के अंदर ये आपको फर्क महसूस हो जाएगा, सालों से जमा हुआ कफ बलगम बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपको रात को रोज सोते समय पर 1 कप बनाकर इसको सेवन करना है। अपने गले को पहले डिटॉक्स करना है, क्योंकि जब भी हम नाक के द्वारा म्यूकस होता है वो सीधा पहले गले की तरफ जाता है और फिर अंदर फेफड़ों तक पहुंचता है, तब जाकर के अस्थमा जैसे शिकायत होती है। तो अगर आप सबसे पहले ही पॉइंट को आप खत्म कर देंगे तो आपकी ये सारी समस्याएं बिल्कुल सही हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गरारे करने हैं, यानी कि गले को डिटॉक्स करना है, जिससे आपके आधा संक्रमण बिल्कुल सही हो जाएगा, जिससे कफ बलगम नहीं जमेगा, आपको टोन्सिल होते हैं तो नहीं होंगे, आपको छाले होते हैं तो नहीं होंगे, आपके मुंह के अंदर किसी प्रकार का कोई संक्रमण होगा तो वह नहीं होगा। उसके लिए आप क्या करें, 1 कप पानी गर्म करने के लिए रखें, कुछ तुलसी की ताजा पत्तियां तोड़ लीजिए और उनको उसके अंदर डाल दीजिए। फिर जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तब इस पानी को गुनगुना आप रखिए और फिर इस पानी से आप गरारे करें। ये गरारे आप दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, जिससे आपका गला पूरी तरह से साफ होगा, सर्दी जुकाम का संक्रमण सही होगा, गले में दर्द होगा, खराश होगी तो सही होगी। इस प्रकार से गरारे करने से आधी समस्याएं बिल्कुल सही हो जाती है। अब जो दूसरी रेमेडी है उसी रात को सोते समय पर आपको करना है। आपको क्या करना है, दालचीनी, घर में रखी हुई मसाला बहुत ही अच्छा होता है, जिसे हम दाल के अंदर प्रयोग करते हैं और बहुत सारी चीजों में प्रयोग करते हैं, और अदरक। अदरक अभी सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा आ रही है, इसका आप प्रयोग करते हैं सही ढंग से तो आपका कफ बलगम तो साफ होता ही है, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, तो वैसे भी सर्दी जुकाम का संक्रमण नहीं रहता। तो आपको क्या करना है, दालचीनी और अदरक का पानी बनाना है। 1 ग्लास आप पानी रखेंगे, उसके अंदर आपको 1 उंगली का तीसरा हिस्सा जो है उतनी सी आपको अदरक लेनी है और उसे कद्दूकस कर लेना है और उसे डाल देना है, पानी में अच्छे से बॉईल करना है और फिर उसी के बाद आपको दालचीनी का पाउडर बना हुआ डाल सकते हैं, आधा छोटा चम्मच, या फिर आप दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। इस तरह से पानी को अच्छे से बॉईल करना है, जब 1 कप पानी रह जाए तब इसे रात को सोते समय आपको लेना है। गुनगुना चाय की तरह इसे लेकर अगर आप सो जाएंगे तो आप देखेंगे कि कफ बलगम की समस्या बिल्कुल सही हो गई है, सांस जो आपको बहुत ज्यादा फूलती थी, सांस चढ़ता था, इनहेलर का प्रयोग आप करते थे, अब बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा, जो नाक पूरी तरह से जाम हो जाते थे वह बिल्कुल खुल जाएंगे, सांस की सारी तकलीफों को ये दूर करेगा। बचपन में भी निमोनिया हो चुका है और लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है तो वह उस संक्रमण को भी बिल्कुल सही करेगा। तो इस पानी को 7 से 8 दिन तक बना सकते हैं या फिर आप सर्दी के मौसम में से 1 कप रोज पी सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है और आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, साथ में आपकी सारी समस्याओं को भी बिल्कुल सही करेगा। इस
तरह से अगर आप इन दोनों रेमेडी को फॉलो करेंगे तो कितना ही पुराना जमा हुआ कफ बलगम होगा वह बिल्कुल धीरे धीरे करके साफ हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सांस की सारी समस्याएं बिल्कुल सही हो जाएगी, आपका श्वसन तंत्र पूरी तरह से स्ट्रोंग बनेगा। लेकिन रेमेडी तभी काम करती है जब आप कुछ परहेज भी करते हैं, तो परहेज आपको जरूर करने हैं। जैसे आपको ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, आपको आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक इन सबका सेवन नहीं करना है, तला हुआ नहीं खाना है, क्योंकि तले हुई चीजें खाने से भी आपकी कफ प्रकृति बढ़ जाती है, और दूध का सेवन भी आपको नहीं करना है। अगर बच्चों के साथ में इस प्रकार का संक्रमण हो रहा है कि गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है, तो उन्हें भी आप 2 छोटा चम्मच इसका पिला सकते हैं, जिससे बच्चों के सीने में बिल्कुल भारीपन नहीं रहेगा, उनको इनहेलर नहीं लेना पड़ेगा, सांस की तकलीफ नहीं होगी, उनकी नाक अगर बहती है तो वो नहीं बहेगी। तो इस रेमेडी को आप बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो आप इस पर मेरे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर सारी वीडियो को जाकर एक बार जरूर देख सकते हैं। लोगों के साथ शेयर करें, काफी अच्छी रेमेडी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। नोटिफिकेशन का बटन आप जरूर दबा के रखें ताकि मैं जैसे ही वीडियो पोस्ट करूँ आप तक आ सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।